ये लिए भाई पहुंच गए सौरभ जोशी के घर। सामने देखिए वो मंदिर है। वो ना होटल में है भीमताल। अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बस ऐसे खुश रहना, मस्त रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बस अब निकल रहे हैं नैनीताल से और देखिए मछलियाँ। बस चलते हैं अब यहाँ से और आज अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी होके, हल्द्वानी और फिर निकलते हैं मुरादाबाद के लिए। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप। चाय भाई पीते हैं भैया, चाय बन भाई है, बिस्कुट लेते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। भाई हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने। वो देखो सामने हनुमानगढ़ी है, हमने किया हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए और निकल लेंगे फिर हल्द्वानी होकर मुरादाबाद। हैं बाबा के दर्शन करने। चलो आते हैं बाइक बाइक पे, चलते हैं। प्रसाद ले लिया है, चलते हैं। चलो भाई चलते हैं, प्रसाद ले लिया है। फोटोग्राफी करना मना है। चलो भाई दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन फोटो खींचना अलाउ नहीं अंदर, तो बस प्रसाद चढ़ गया। बहुत अच्छा है भाई, मैं तो कहूँगा आप सभी को अगर आप नैनीताल आए तो भाई दर्शन जरूर करके जाएं। बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत प्यारा, और बालाजी की कृपा हमेशा ऐसी बनी रहे। सीताराम भैया, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा नज़ारा है, वो तो मज़ा आ जाएगा भाई दर्शन करके। वैसे हो सकता है शायद मिल जाए, बाकी कन्फर्म नहीं है। चलिए चलते हैं और हल्द्वानी जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या पता। हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं, 2 किलोमीटर रह गया और चाहिए नैनीताल के लिए। भीड़ देखिए भाई, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं भाई साहब, क्योंकि बच्चों की सबकी छुट्टी पड़ चुकी है। भीड़ देखिए भाई, सुल्तान पहुँच चुके हैं हम, अब बाईपास से निकल रहे हैं और देखते हैं मिलते हैं सौ रुपये से। गए हैं सौरभ जोशी के घर के सामने हैं, उनकी सोसाइटी के मतलब, देखते हैं पहुंच गए उनकी सोसाइटी। चलो गार्ड साहब से पूछते हैं कि हैं या नहीं है भाई। पहुंच गए हैं, वीडियो बना ला लाओ या नहीं है पता नहीं, लेकिन गार्ड साहब बैठे हैं बाहर सामने। सर खाना खा रहे हैं और सर से पूछा था कि कहाँ हैं गार्ड साहब से। ये लो भाई पहुंच गए हैं सौरभ जोशी के घर के सामने। ये रहा देखो फाउंटेन और सामने मंदिर है। और भाई अब बाहर तो आएंगे नहीं, आएंगे तो मिलते हैं वरना नहीं तो चलते हैं सौरभ जोशी से मिलने। देखो फैमिली भी आई हुई है नैनीताल से, हम लोग भी नैनीताल से आए हैं। अब पता नहीं भाई अंदर है या नहीं है, क्या है कुछ नहीं कन्फर्म, बाकी वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं वेट करते हैं कि ये कह रहे थे हम 2 दिन पहले भी वेट करके गए थे, आज और वेट कर लेते हैं, अगर मिलते हैं तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर चले जाएंगे हम। अब देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, आएंगे तो सही है नहीं तो नहीं। एक गाड़ी और आई, देखो भाई लाइन लगी हुई लोगों की आने वालों की। ले लिया थार, आप जानते हो? जानता हूं। पक्का? मैं देखा हुआ उसका ब्लॉग, देखा आपने? अच्छा छोटे छोटे फैंस भाई वो उनके कॉलेज में। देखते हैं भाई कब तक मिलते हैं या नहीं मिलते, पता चलती है। गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई इंतजार करते हुए, अभी तक तो कोई आया नहीं ना गया, तो अब चलते हैं हम भी अपने घर के लिए। और काफ़ी सारी फैमिली भी आई हुई थी जो इंतजार कर रही थी मिलने का, वेट कर रही थी, अभी तक तो आया नहीं है, तो
तो प्लीज़ इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगे, लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें बताएं क्या अच्छा लगा क्या। हमें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बस हंसते रहना, मस्त रहना, खुश रहना, और हाँ, जय श्री राम। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।